नमस्ते दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। भारत के इकलौते वनमानुष बिन्नी की ओडिशा में हुई मौत, लंबे समय से थी बीमार। भारत के इकलौते वनमानुष बिन्नी की ओडिशा के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में मौत हो गई है। बिन्नी पिछले कई समय से बीमार चल रही थी। जानकारी के अनुसार वह सही तरीके से सांस नहीं ले पा रही थी, इसके बाद उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिन से उसे सर्दी जुकाम था और उम्र ज्यादा होने की वजह से वह कमजोरियों से भी जूझ रही थी। इसके बाद डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। उसके गले में भी घाव था जिसका इलाज चल रहा था। बता दें कि बिन्नी को 20 नवंबर 2003 को पुणे के राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क से नंदनकानन लाई गई थी। उस समय वह 25 साल की थी। हालांकि उसे पुणे भी सिंगापुर से लाया गया था। पिछले कुछ समय से पशु चिकित्सक बिन्नी का इलाज कर रहे थे और वे यूके और सिंगापुर के डॉक्टरों की सलाह पर उसे दवाइयां भी दे रहे थे। पुणे से लाए जाने के बाद बिन्नी पार्क में अकेले ही रह रही थी। जू प्रशासन किसी भी पुरुष वनमानुष को लाने में असफल रहा था। बता दें कि एक वनमानुष की औसत उम्र 40 साल होती है। वनमानुष मूल रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। मौजूदा समय में ये सिर्फ बोर्नियो और सुमात्रा के घने जंगलों में पाए जाते हैं। बिन्नी के साथ यह वनमानुष की प्रजाति भारत में नष्ट हो चुकी है। न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। धन्यवाद।